हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश चैंपियनशिप लीग के मैच के बारे में और ये मैच खेला जाएगा रोदेरहम यूनाइटेड और मिडल्सबर्ग के बीच में। तो दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है, इस टॉपिक पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी और कितना गोल स्कोर करेगी और किन 11 प्लेयर्स को टीम में लेकर चलना है और किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन देना है। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में कम्प्लीट दी जाएंगी, आप वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए अब हम इन दोनों टीम की पहले पॉइंट टेबल, उसके बाद दोनों टीम का हेड टू हेड मैचेस, उसके बाद हम दोनों टीम की रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डालेंगे। तो पहले पॉइंट टेबल को देखते हैं। तो गाइज, रोदेरहम यूनाइटेड इंग्लिश चैंपियनशिप लीग में फिलहाल के टाइम पर 21 पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें मिडल्सबर्ग इस लीग की टॉप 5 में आती है, मतलब 4th पोजीशन पर है। तो दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइज, अब बात आती है कि दोनों टीम में से हम किस टीम को आज के मैच में एक फेवरेट यानी एक स्ट्रॉन्ग टीम मान के चलें। तो मैं इस मैच में मिडल्सबर्ग को एक फेवरेट एक स्ट्रॉन्ग टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इस लीग की टॉप टेबल टीम है, तो इसीलिए मिडल्सबर्ग को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन आप रोदेरहम यूनाइटेड को हल्के मत लेना, क्योंकि ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपने होम ग्राउंड में अपने से हल्की या अपने लेवल की टीम के सामने मैच खेलती है उनके सामने अच्छा परफॉर्मेंस करती है, लेकिन जब अपने से बेहतर टीम के सामने खेलती है ना तब कभी कभी लॉस कर जाती है, लेकिन होम में एडवांटेज रहता है। इसीलिए आप इसको ग्रैंड लीग में एक दो टीम बना लेना, ओके। लेकिन हम बात करेंगे दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। जब दोनों टीमें आपस में खेलती हैं दोनों टीमों का रिजल्ट किस प्रकार का देखने को मिलता है। तो दोस्त, इन दोनों टीम के बीच में लास्ट 6 हेड टू हेड मैच खेले गए और 6 में से रोदेरहम यूनाइटेड सिर्फ इस टीम के सामने एक मैच विन किए, 2 मैच ड्रॉ भी खेले लेकिन 3 मैच लॉस भी किए। अटैक से 0.8 गोल पर मैच स्कोर किया, डिफेंस से 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। अटैक और डिफेंस तो दोनों टीमों का 50-50 रहा हेड टू हेड में, लेकिन अधिकतर मैचेस रोदेरहम इस टीम के सामने या तो लॉस किए या ड्रॉ खेले लेकिन विन नहीं कर पाई। अब हम बात करें जो पिछला मैच दोनों टीम के बीच में खेला गया, दोनों टीम ने डिफेंसिव ड्रॉ खेला, दोनों टीम ने एक भी गोल स्कोर नहीं किया बल्कि डिफेंस गोल कंसीड नहीं किया। और उससे पिछले 2 मैच मिडल्सबर्ग ने इस टीम के सामने विन करे हैं, एक 2-1 से विन किया, एक 1-0 से विन किया, लॉस हुआ है रोदेरहम का। उससे पहले मुकाबला फिर रोदेरहम इस टीम के सामने 3-0 से विन भी किए हैं और एक मैच फिर से 2-1 से हार गई और एक मैच अगेन डिफेंसिव ड्रॉ गया है। तो परफॉर्मेंस अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिडल्सबर्ग इस टीम के सामने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, अटैक से भी और डिफेंस से भी। तो इसीलिए मिडल्सबर्ग को मैं एक फेवरेट यानी एक स्ट्रॉन्ग टीम मान के चलता हूँ। लेकिन हम बात करेंगे दोनों टीम का करंट फॉर्म किस प्रकार का फिलहाल के टाइम पर। तो दोस्त, रोदेरहम यूनाइटेड का करंट फॉर्म है, रिसेंटली 6 मैच में से इस टीम ने सिर्फ एक ही मैच विन किया है, 2 मैच ड्रॉ भी खेले, 3 मैच इस टीम ने लॉस किए। अटैक से 1.2 गोल पर मैच स्कोर किया, डिफेंस 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहना का मतलब, चाहे मैच ये ड्रॉ या लॉस कर जाए लेकिन अटैकिंग परफॉर्मेंस इस टीम का फिर भी अच्छा, हर मैच में गोल स्कोर भी कर देती है लेकिन डिफेंस भी कहीं ना कहीं हर मैच में गोल कंसीड भी कर देता है। अब हम बात करें जो पिछला मैच 2-1 से कार्डिफ के सामने टीम हार गई, एक गोल इस टीम ने किया लेकिन डिफेंस से 2 गोल कंसीड किए। ब्रिस्टल सिटी के सामने टीम 2-1 से हार गई, एक गोल इस टीम ने फिर भी किया लेकिन डिफेंस से 2 गोल कंसीड किए। और एक मैच बर्लिन के सामने टीम अटैकिंग ड्रॉ के लिए 2 गोल किए, 2 ही गोल डिफेंस से कंसीड किए। और लूटन टाउन के सामने टीम 2-0 से हार गई और एक मैच इस टीम ने डिफेंसिव ड्रॉ खेला है और उसके मुकाबले टीम 3-1 से मैच को विन भी किए। तो करंट फॉर्म अटैक से काफ़ी अच्छा है, डिफेंस से काफ़ी डाउन है, मतलब हर मैच में गोल कंसीड कर ही देती है। तो अब हम बात करते हैं मिडल्सबर्ग का करंट फॉर्म किस प्रकार का है। तो दोस्त, मिडल्सबर्ग करंटली 6 मैच खेल चुके हैं, 6 मैच इस टीम ने 2 मैच विन करे हैं, एक मैच ड्रॉ भी खेला, 3 मैच इस टीम ने भी लॉस किया। अटैक 2.3 है, डिफेंस 2 है। अटैकिंग परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है और डिफेंस देखा जाए तो काफ़ी गंदा है। अब हम बात करें जो पिछला मैच लूटन टाउन के सामने टीम 2-1 से मैच को हार गई, इस टीम ने एक गोल उस मैच में किया है लेकिन डिफेंस से 2 गोल कंसीड किया। और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने विन करे हैं, एक मैच में 3 गोल किए, एक मैच में 5 गोल किए। दोनों मैच में इस टीम ने जीत हासिल की लेकिन डिफेंस से एक एक गोल कंसीड किया। और एक मैच ब्रिस्टल सिटी के सामने ये टीम अटैकिंग ड्रॉ के लिए, और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने हारे जरूर हैं लेकिन उन दोनों मैच में इस टीम का अटैक से गोल आया भी है और डिफेंस से गोल कंसीड भी किया है। तो परफॉर्मेंस अगर मिडल्सबर्ग का देखा जाए, अटैक बेहतर है, डिफेंस डाउन है। तो फाइनली गाइज, अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए।
तो गाइस सबसे पहले हमने दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर नजर डाली, उसके बाद दोनों टीम का हमने हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, उसके बाद हमने दोनों टीम के रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम तीनों फॉर्मेट को कंपेयर कर ले कि कौन सी टीम का मजबूत परफॉर्मेंस रहा, तो पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग रोड एरहम की पोजीशन काफी डाउन है और मिडिल्सबर्ग की पोजीशन काफी अप है, मतलब अप है। ओके, और हेड टू हेड में देखोगे रोड एरहम इस टीम के सामने सिर्फ एक मैच विन करे, बल्कि हर मैच या तो ड्रॉ खेला या लॉस किया, और मिडिल्सबर्ग ने इस टीम के सामने पॉजिटिव रिजल्ट ला के दिया है। और रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो रोड एरहम का अटैकिंग परफॉर्मेंस अच्छा, लेकिन डिफेंस इस टीम का भी गोल कंसीड कर देता है, लेकिन अधिकतर मैच हार जाती है। और मिडिल्सबर्ग का जो परफॉर्मेंस है, अटैक तो है ही मजबूत, प्लस में डिफेंस काफ़ी डाउन है, लेकिन अपने से हल्की टीम के सामने मैच को विन कर लेती है। तो तीनों फॉर्मेट में आपको कहीं ना कहीं मिडिल्सबर्ग एक स्ट्रॉन्ग एक फेवरेट टीम देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं मिडिल्सबर्ग को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनली गाइज अब बात आती है अब इस मैच के स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए, मतलब इस मैच में कितने गोल हो जाने चाहिए और इस मैच को कौन सी टीम विन करनी चाहिए। मेरा मानना यह है रोड एरहम यूनाइटेड इस मैच में एक गोल करेगी और मिडिल्सबर्ग कम से कम इस मैच में दो गोल करके मैच को विन कर लेगी, तो इसीलिए मेरा प्रेडिक्शन है इस मैच में 1-2। अब 1-2 के प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहती है इस मैच में हमारी स्मॉल लीग टीम और कौन कौन से प्लेयर को हम अपनी टीम में लेकर चलेंगे और किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन देना, ये सारी जानकारी आपको आगे चलकर कंप्लीट दी जाएंगी। आप वीडियो को ध्यान से देखना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं इतना कह सकता हूँ फैंटेसी फुटबॉल प्रेडिक्शन के लिए ना इससे बेहतर आपके लिए चैनल नहीं मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अब हम बात करते हैं ऑन पॉइंट कि कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए, तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं रोड एरहम यूनाइटेड के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस रोड एरहम की तरफ से टॉप हाइएस्ट गोल टेकर ओगबेन इस टीम की तरफ से इसने 8 गोल किए हैं, और सेकंड हाइएस्ट गोल होगिल जिसने इस टीम के लिए 5 गोल किए हैं लेकिन 2 गोल पेनल्टी में किए हैं। अगर आपको लगता है कि ये मैच पेनल्टी में भी आ सकता है तो उस कंडीशन में आप इन्हें ट्राई कर लेना। ओके, फिर यहाँ से थर्ड हाइएस्ट गोल टेकर वाशिंगटन जिसने इस टीम के लिए 5 गोल स्कोर किए हैं, फिर यहाँ से केली का भी 4 गोल आए हैं, वुड का भी इस टीम के लिए 4 गोल आए हैं, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं एक एक दो दो तीन तीन गोल कर चुके हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, जब आप लाइनअप देखोगे ना लाइनअप के हिसाब से इन प्लेयर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे आप उनको पिक कर सकते हो जब आप खुद की टीम बनाओगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट प्लेयर इस मैच में रहेंगे ओगबेन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा और मोगिल ये मतलब होगिल ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पेनल्टी लेके एक ओपन से गोल कर सकता है। बाकी यहाँ पर कॉनर वाशिंगटन भी बेहतर है। और बाकी हम अब नज़र डालते हैं उन प्लेयर्स पर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, और आप जानते हैं कि फैंटेसी में एक असिस्ट का 20 पॉइंट मिलते हैं, तो वो प्लेयर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स को भी। असिस्ट में देखा जाए तो डैनियल इस टीम की तरफ से 7 असिस्ट निकाल चुका है, शान फर्गूसन का 5 असिस्ट आए हैं, गोल में भी कंट्रीब्यूशन है। ओगबेन जो कि इस टीम तरफ से टॉप हाइस्ट गोल टेकर है, थर्ड हाइस्ट असिस्ट टेकर है। वेस हार्डिंग है 3 असिस्ट निकाल चुका, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उन सभी ने एक एक दो दो असिस्ट निकाले हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम नजर डालते हैं मिडिल्सबर्ग के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस मिडिल्सबर्ग की तरफ से ना आपको कुछ सेलेक्टेड प्लेयर देखने मिलेंगे और उन्हीं प्लेयर्स को आज के मैच में आपको लेकर चलना है, जैसे कि टॉप हाइट गोल टेकर चुबो अकपोम इस टीम की तरफ से 28 गोल कर चुका और 4 गोल इसने पेनल्टी में किए, पेनल्टी भी यही लेगा ओपन से भी यही गोल करेगा, तो हमारी टीम का कैप्टन कौन बनेगा, चुबो अकपोम बनेगा क्योंकि टॉप हाइट गोल टेकर। अब मुझे नहीं पता इसका सलेक्शन कितना है ड्रीम इलेवन पर, लेकिन जितना भी होगा कैप्टन रहेगा हमारा। ओके, फिर यहाँ से आर्चर है इस टीम के लिए 10 गोल निकाल चुका है, फिर यहाँ से मार्कस फोर्स इस टीम के लिए 10 गोल किए हैं लेकिन 2 गोल इसने भी पेनल्टी में किए, तब पेनल्टी में किए तब अकपोम फील्ड में नहीं था। ओके, ये चीज़ आपको याद रहे, अगर आप अकपोम ना खेले तब आप फोर्स को ट्राई कर सकते हो। मैट क्रूस है इस टीम के लिए 7 गोल कर चुका है, रिले मैग्रे है जो कि डिफेंसिव वर्क भी काफ़ी अच्छा कर लेता है और असिस्ट पोटेंशियल भी है, एरोन रमसी ये भी बेहतर है जब भी इसने टीम के लिए स्टार्ट किया काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, एक जेकब रमसी है जो एस्टन विल्ला के लिए खेलता है, एरोन रमसी है जो मिडिल्सबर्ग के लिए खेलता है। बाकी यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स हैं उन सभी का एक दो दो गोल आए हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन जो टॉप प्लेयर हैं वो आपको टॉप फोर में ही देखने मिलेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं इस टीम की तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो चलिए नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में देखा जाए तो रियान जोहन ग्लेस इस टीम के लिए 11 गोल मतलब 11 असिस्ट निकाल चुका है,
फिर यहाँ से आर्चर का भी 6 असिस्ट आया, मैट क्रूस का भी 6 असिस्ट आया, फोर्स का भी 5 असिस्ट है, और यहाँ से जोनेस का 5 असिस्ट, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं ना उन सभी का एक दो दो असिस्ट हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन ये वो प्लेयर्स हैं जिनको हम आज के मैच में बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम बात करते हैं इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या रखी है, 1 और 2, मतलब 2 गोल इधर से 1 गोल उधर से। तो इसका मतलब 1-2 का प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच में हमारी शमोली की टीम, और किन किन प्लेयर्स को हमें टीम में लेकर चलना है, किन प्लेयर्स को कैप्टन बनाना, किन को वाइस कैप्टन बनाना, ये सारी जानकारी अब मैं आपको जब टीम बनाते दिखाऊंगा ना तब आपको दूंगा। ओके, तो चलिए नज़र डालते हैं टीम पर। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करें गोल कीपरिंग सेक्शन से, तो यहाँ पर सेलेक्ट करना थोड़ा इजी है, वी जोहानसन को पिक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा मिडल्सबर्ग का अटैक बहुत अच्छा है और रोजर हम का डिफेंसिव कहीं ना कहीं हल्का है, तो मुझे लगता है कि जोहानसन इस मैच में टेस्ट होगा, तो इसलिए मैं इनको लेकर चला हूँ। अब हम बात करें डिफेंडिंग सेक्शन में, तो डिफेंडिंग सेक्शन में पहली चॉइस ग्लेस, जो कि इस टीम की तरफ से टॉप हाइस असिस्टेकर है, 11 असिस्ट निकाल चुका, एक लो स्कोरिंग मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बना सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा निकल कर आती है मैकनाइट, जो कि इस टीम की तरफ से हेडर वाइज एक बेहतर प्लेयर है और डिफेंसिव वर्क अच्छा कर लेता है, तो इसलिए मैं इनको भी लेकर चला हूँ। फिर नेक्स्ट प्लेयर हम वुड को पिक करते हैं, जो कि वुड इस टीम की तरफ से परफॉर्मेंस कर चुका है। फिर यहाँ से हार्डिंग है, आप इन्हें भी ले लेना, काफ़ी प्लेयर्स और भी हैं यहाँ से, राइट है, लैनहम है, पाल्टियर है, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें से खेलने का चांस कुछ का कम है कुछ का ज़्यादा है, लेकिन हमें सिर्फ वही प्लेयर्स पिक करना है जो इस मैच में अच्छा कर सकते हैं। बोथ टीम टू स्कोर ये मैच जाएगा तो उस कंडीशन बाकी डिफेंडर को मैं ज़्यादा सजेस्ट आपके लिए नहीं करूँगा। तो इनमें से अगर आपको एक लेना है तो राइट को ले लेना अगर आपको लगता है कि, वरना ये याद रहे कि डिफेंसिव वर्क नहीं करेगा, गो हेडर वाइज गोल कर सकता है, बाकी यहाँ पर मैं किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में जगह नहीं दे के गया हूँ। ओके, अब हम बात करें मिड में, तो मिड में मेरी पहली चॉइस मैगरी, इस टीम की तरफ से 6 गोल निकाल चुका है, पोटेंशियल रखता है डिफेंसिव वर्क करने का, तो इनको लेकर चलेंगे। मैट फोर्स है, इस टीम की तरफ से टॉप परफॉर्मेंस कर चुका है, गोल में भी असिस्ट में भी कंट्रीब्यूशन रहा है इसका, लेकिन मैं इनमें से कुछ सेलेक्टेड प्लेयर पिक करूंगा अभी के लिए, मैगरी को अपनी टीम में जगह देख चला। एरोन रमसी जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जो कि ये भी अच्छा कर सकता है, तो इनको भी अपनी टीम में जगह देना चाहिए। नेक्स्ट चॉइस हमारी फर्गोसन निकल कर आती है, जो कि गोल में भी और असिस्ट में भी कंट्रीब्यूशन दे चुका है। ओके, फिर यहाँ से बाकी प्लेयर्स हैं लेकिन सबका रिकॉर्ड इतना बेहतर है नहीं है, डिफेंसिव वर्क करते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो मैंने आपके लिए यहाँ से बताए, इनमें से आपको यही पिक करना है और अगर एक को लेना है तो फोर्स को ले सकते हो। ओके, तो अभी के लिए मैं फॉरवर्ड चूज करता हूँ, बेस्ट फॉरवर्ड अपनी टीम में, मैं अपनी टीम में ओग बैने को पिक करता हूँ, वैसे इस टीम के लिए टॉप हाइट गोल टेकर है, असिस्ट में कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इनको इसलिए जगह दे के चलेंगे। फिर यहाँ से आर्चर है, जो कि इस टीम की तरफ से सेकंड हाइट गोल टेकर है और सेकंड हाइट असिस्ट टेकर है, तो इनको भी लेकर चलेंगे। लेकिन जिसका सलेक्शन लेस लेकिन टॉप क्लास प्लेयर इन सब में, तो जो कि 28 गोल कर चुका और 4 गोल पेनल्टी में भी किए, तो कहने का मतलब ये क्लास प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन बेहतर ऑप्शन है, हम अकपोन को लेकर चले हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास बेहतर प्लेयर्स रह चुके हैं, जैसे क्रूस है, वाशिंगटन है, इनमें से खेलेगा तो हम टीम में ले लेंगे, अभी के लिए इनमें से किसी का चांस है नहीं खेलने का, अगर खेलेगा तो हम लाइनअप में अपनी टीम में पिक कर लेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं मिड में एक चॉइस चाहिए हमें, किसको लेना है, ये आपकी चॉइस है, आप किसको लेते हैं, मैं अपनी टीम में अभी के लिए फोर्स को लेकर चला हूँ। ओके, तो ये टीम का प्रीव्यू निकल कर आता है, याद रहे ये एक डेमो टीम है, फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि फाइनल टीम लाइनअप आने के बाद प्लेयर की पोजिशन को देखते हुए कि कौन सा प्लेयर किस पोजिशन पर है और कौन सा प्लेयर 90 मिनट कंप्लीट खेलेगा, उसके हिसाब से फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कैप्टनसी की बात की जाए, अकपोम रहेगा, अब इसका सिलेक्शन चाहे 22% हो चाहे लेस देन और हो, लेकिन हमारी टीम में कैप्टन रहेगा अकपोम। और वाइस कैप्टन की ऑप्शन आपके पास है, आर्चर है बेहतर ऑप्शन है, एरोन रमसी है आप इन्हें बना सकते हो, या ओग बेन है जो इस टीम तरफ से टॉप हाइट गोल टेकर आप इन्हें बना सकते हो, लेकिन मेरी टीम को वाइस कैप्टन अभी के लिए आर्चर है, मैं अपनी टीम में इसलिए वाइस कैप्टन आर्चर बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त जो आपको इस वीडियो में बताया गया है, जो समझाया गया है, वो इजीली और कॉन्फिडेंस साथ हर एक प्लेस के बारे में आपको डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, जाते जाते एक बात जरूर कहूँगा, इस मैच की फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने इसी वीडियो टॉप के कॉमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, बाय एंड लव यू।